अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अब आज कोई खाना पीना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा रही आपको। आज मैं स्टडी टाइम दिखा रही हूँ कि मैं स्टडी भी करवाती हूँ बच्चों को। मुझे उन्हें इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती क्योंकि मैंने उनकी बचपन में अच्छी खासी मेहनत कर ली है। हानिया का है पेपर, मंडे से शुरू हो रहे हैं हानिया के पेपर। तो उसकी कुछ मैथ के कुछ उसके मसले थे तो उसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। मैंने कहा चले मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ, जो रह गई आपकी कसर रह गई है स्टडी की वो मैं करती हूँ। तो मैं उसे पढ़ाने लगी थी, ये देखिए। तो ये मैथ है, मैथ इसको करवाने लगी हूँ। अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ और खुद ही जो है उनको हैंडल कर लेती हूँ स्टडी में, चाहे वो 10th की क्लास है, चाहे वो 9th की क्लास है, चाहे आयुष है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, कुछ भी है उसका, कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है तो मैं उसकी सॉल्व कर देती हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको हानिया भी, आप कहेंगे कि देखिए, ये देखिए हम बैठे हैं, दोनों माँ बेटी बैठे हुए हैं हम, तो हम स्टडी करने लगे। चलिए बेटा जल्दी करें, पेंसिल नहीं है आपके पास? है पेंसिल, लाओ ये कलर पेंसिल है। चले आ रहे, क्या आपने वो करना है, क्या है इसमें ये वाला करना है? ये मल्टीप्लाई है तो इसको 1000 से करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 इसको उसमें कर लेते हैं ना, 34 तो ये सारा 00 आएगा, ठीक है। फिर ये 3 का भी जो है वो 00 आएगा, ये जो है ये भी 3, ये हो गया, ठीक है। ये है 74 km, 930 m, ठीक है, 74 किलोमीटर, 930 meter इंटू मीटर, ठीक है। हम इसको भी यही करेंगे, 1000 × 74, इसका क्या आएगा, 00074, ठीक है। ये आ गया, ये m आ गया, ठीक है, मीटर है ना, ये हम मीटर को कर रहे हैं। फिर इसका जो है वो किलोमीटर हमने कर लिया, अब इसका हम करेंगे मीटर, ठीक है। इसमें जो है 930, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 7 उसमें करेंगे ऐड, 930 ये आएगा, 3947 है, 74930 इसका ये आंसर आएगा, ठीक है, इसका ये आंसर बनेगा। इसमें ना सबसे अहम जो होता है ना वो टेबल होता है। टेबल अगर आपको सारे आ रहे हैं ना तो आपका सारा काम जो है ना वो कंप्लीट है। मैथ आपका आता है आपको, कहाँ पे है 15 से 18 तक है टेबल। टेबल आपने कर ली है, रीड कर ली है, ठीक है, उसको कर लो, रीड कर लो उसको, फिर बताओ। मंडे को है आपका, बच्चों के हो रहे हैं एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम इनको भी देना पड़ता है। जो नहीं आता इनको समझ में वो समझा देती हूँ, फिर इनको टेस्ट लेके करूँगी। टेस्ट मैं आपको इससे दे देती हूँ ना, उससे नहीं करें ना। एक यूनिट करती हैं कल, दो, कितने टोटल कितने यूनिट हैं आपके? 6, 7, 8, 9, 5। पेंसिल दो ना, पेंसिल से पिक करूँगी, ये खराब है। 6 आई थिंक आपको सारे ही कर लेने चाहिए, कोई इतना क्रिटिकल तो नहीं है, आप कर लो इसको सारा, ठीक है, क्योंकि हम सारे करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। कर दो इसमें से, मैं देखूंगी जो आपको आता है, बल्कि अव्वल तो आपको सारे आने चाहिए। अगर सारे नहीं आते हैं तो फिर जाहिर बात है जो हम छोड़ देंगे ना, जिसको हम स्किप कर देंगे, तो वो फिर ये होता है कि वही आ जाता है। बेहतर है कि हम सारे ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप ये मुझे सारा टेस्ट करके दो, सारे इसमें टेस्ट करो, फिर मैं देखती हूँ है कि नहीं पढ़ रही। हाँ जी, हो गए आपका मैथ, कर लिया आपने सारे? इतनी पढ़ाई है, अल्लाह इतनी पढ़ाई है, मेरी बेटी तो पढ़ाकू हो गई है, वाजिबा। आपने टेस्ट कर लिया जो मैं देखी गई थी आपको, कितने किए हैं आपने क्वेश्चन आंसर? आप ही से लिया टेस्ट लिया, आप ही ने बता दिया आपको, चलो अच्छी बात, दे दिया उसको, क्या समझाया आपने उसको? वैसे आपका फ़र्ज़ है कि आप छोटी बहन को थोड़ा सा ना काबू में रखें पढ़ाई के मामले में, अभी पढ़ रही हैं आप, चलें ठीक। हानिया की आपी जो है ना उसको ना मिरर पे ये देखें, मार्कर से सिखा रही है, जैसे स्कूल, ये देखें, ये आपी ने दिया इसको काम और वो उस पर अपने वाइट बोर्ड पे, मिरर वाइट बोर्ड पे मार्कर से कर रही है। समझ आ गई ये क्वेश्चन की?
तो अब मैं बढ़ाती हूँ हानिया को, जो रह गया काम उसका वो पूरा करवाती हूँ उसको। तो इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।